भाइयों और बहनों, देखो मेरा नया अजूबा, नेवर सीन बिफोर। ये दिखने में तो मछली है, लेकिन इसमें मछली और पंछी दोनों के कुछ गुण हैं। इसीलिए ये पानी में तैर सकती है तो हवा में उड़ भी सकती है। इसका नाम हवा हवाई मछली रखा है। अब जब ये सिल्वर लॉकेट उस मछली के गले में डालूंगा तो इस रिमोट से वो मेरे सारे कमांड्स फॉलो करेगी और जल्द ही इसे दुनिया का आठवां अजूबा कहा जाएगा। ओए पति जय यार, ये तो कमाल की मछली बनाई है खोजी सिंह ने। कमाल तो है, लगता है कुछ धमाल भी होना चाहिए। ओए क्या मतलब है तेरा? चाचू, वहाँ वो विदेशी जो नीले सूट में खड़ा है। हाँ, वो मछली देखने आया होगा। मुझे तो लगता है वो मछली उड़ाने आया है। ओए पति जय, ये तो खुद ब खुद उड़ने वाली मछली है, तो ये और क्या उड़ाएगा? अरे चाचू, मेरा मतलब है चुराने आया है। है? पर तुम्हें कैसे पता? चाचू देखो तो, उसके सूट के कॉलर पे हमारे फंटूस नगर के चंदू टेलर का लेबल लगा है। ओए पतिजे, इसका मतलब है हमारा चंदू टेलर वर्ल्ड फेमस है? नहीं चाचू, इसका मतलब है वो कोई विदेशी नहीं, देसी है। आप एक काम करो, उसके पैर पे जोर से पैर मारो, ये खुद अपना राज खोलेगा। मर गया रे। ओए पतिजे, ओए इसे तो हिंदी आती है। क्योंकि चाचू ये विदेशी नहीं देसी है। क्या? क्राइम का पावर, क्राइम मास्टर चौकावर। रोजे आ जाओ इधर। ओए ओए, आप लोग सब बाहर चलो जल्दी। चाचे जल्दी कर, चौकावर के हाथ मछली नहीं लगनी चाहिए। अब कैसे बचाओगे मछली को? ओए जुगावर, मछली पकड़ोगे? तो लो पकड़ लो। अरे अरे बलवान, ये तुमने क्या कर दिया? ओए तुमने तो बोला था तुम कंट्रोल कर सकते हो, अब करो कंट्रोल। अरे बलवान, ये लॉकेट तो मेरे पास है, अब मछली को कंट्रोल कैसे करोगे? पकड़ो उसे। इंजन की कार्बोरेटर में एक आइडिया अटका है, बोले तो निकालो। जल्दी निकालो। तुम मेरे ऊपर खड़े होके मछली को पकड़ लो, वरना किसी के हाथ ना आने वाली है मछली। हाँ। भैंस की पूछ, मेरे पैर क्यों पकड़ रहा है? ओ बंदूकनी जी, जो गावर आपके हाथ से छूट गया तो मैं पकड़ लूंगा। बावड़ी बूझ, तेरे वजन से जोगावर से वैसे भी मेरे हाथ छूटे। आ गए मुंह काला करके। आओ, क्राइम का पावर, क्राइम मास्टर जोगावर, नहीं छोड़ूंगा। हवा हो जाऊंगी। क्राइम के पावर की आंखों का चला गया पावर। युगी, लुंगी हटाओ, सामने देख जुगावर, वरना खानी पड़ेगी ठोकर। हवा हो जाऊंगी। और मैंने कहा बंदूकनी जी, इससे पहले आपने कभी गधे की सवारी की है? नहीं, क्यों? और ये रुक ही नहीं रहा। हाँ? कैसे पता चलेगा कि इसका ब्रेक कहाँ है? चाचू, आप ठीक तो हैं? ओए पतिजे, ओ तेरे होते मुझे कुछ हो सकता है। लेकिन बलवंत, ये मछली के ऐसे उड़ने से बहुत कुछ हो सकता है।
देखो तो इसकी हिम्मत, आज तुम हवा में उड़ रही हो, कल हमसे पानी में तैरने के लिए कहोगी। मछली जल की रानी, तुम शायद रास्ता भटक गई हो, ये हमारा इलाका है। जाओ पानी में जाओ। हवा हो जाऊंगी। अरे कहाँ चली मेरी प्यारी बिल्ली? दैया रे दैया, मछली उड़ने लगी। अब मछली पकड़ने के लिए मुझे भी उड़ना पड़ेगा क्या? आज के समाचार बस यहीं समाप्त हुए। धन्यवाद। ओए भतीजे कुछ कर, वरना इसने हम सब के समाचार समाप्त कर देने हैं। खोजी अंकल, अब तो इस मछली को लॉकेट पहनना ही होगा। लेकिन इस उड़न खटोले को लॉकेट पहनाएंगे कैसे? बंदूक दीजिए, हम उड़ नहीं सकते लेकिन उड़ा तो सकते हैं। ओए भतीजे, तू किसको उड़ाने की बात कर रहा है? इस मछली का पीछा करते करते तो मेरे तोते उड़ गए यार। अरे नहीं चाचू, मैं पतंग उड़ाने की बात कर रहा हूँ। अरे भतीजे, मछली को लॉकेट पहनानी और तन्ने पतंगबाजी करने की पड़ी से है? बंदूकनी जी, पतंग के नीचे लॉकेट लगा होगा और वो हवा हवाई के गले का हार बनेगा। लेकिन भतीजे, हवा हवाई पतंग के पास क्यों आएगी? उसके लिए चाचू और बंदूकनी जी को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जी, और रॉकेट नहीं है, फायर ब्रिगेड की गड्डी है, और जरा संभल के। चाचे इब की बार कोई गलती ना करना, वरना रॉकेट समझ के चांद पे भेज दूंगी तने। ए हवा हवाई, आजा आजा आजा। ओए रुक जा। ओए रुक जा हवा हवाई। भतीजे ढील दे, ढील और ढील दे, अरे और दे। ये उड़ी तेरी पतंग। रे बोल रही भतीजे की पतंग। और चाचे इब की बार कोई गलती नहीं। ये कौन आया पतंगबाजी करने? भतीजे, ये तो सामने वाली टेरेस से जोगावर पतंग उड़ा रहा है। हो गया बंटा था। ओ, कोई बात नहीं खोजी अंकल, उसने हवा हवाई को डिस्ट्रैक्ट किया, हम उसे डिस्ट्रैक्ट करेंगे। बहादुर जी, बंदूकनी जी का मिरर तो दीजिए। भतीजे, अब तुम जोगावर का मेकअप करोगे? हवा हवाई, अब सच में उनके होश उड़ा दो। जो हुक्म मेरे आका, अभी निकालती हूँ इनकी हवा। क्योंकि यहाँ से 9-11 होने में ही समझ जा रही है। ये क्या? मुझे अब भी मछली क्यों दिख रही है? जुगावर, तुम होश पे तो हो? वो कहाँ से आएगी? होश उड़ा के जाऊंगी। हवा
वही चाचा। ओए हाँ भतीजा। आज मेरा गुलाबी रस तैयार हो जाएगा। मेरे 5 सालों की मेहनत। जानवर जब इसे पिएंगे तो उनका दिमाग इंसानों जितना तेज हो जाएगा। बस कुछ घंटे सूरज की रोशनी मिलते ही ये पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। ये देख, गर्मी में लोग घर के बाहर पानी का प्याऊ रखते हैं। खोजी ने तो शरबत रखी है। मैं थोड़ा पी लेता हूँ, इस तेज गर्मी से राहत मिलेगी। बावड़ी पूंछ, भैंस की पूंछ। चाचू ये क्या कर रहे हो, आप ठीक तो हो? यो चाचा भैंस की तरह क्यों जल रहा है, है? चाचा जी रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? अरे ये बाहर इतना शोर क्यों हो रहा है, सब ठीक तो है? खोजी अंकल, चाचू ने आपके लैब के बाहर रखा ये गुलाबी शरबत पी लिया और अभी अजीब सी हरकतें कर रहे हैं। ओहो, वो शरबत नहीं, मेरा नया आविष्कार था। वो जानवरों के पीने के लिए बनाया था, इंसानों के लिए नहीं। अब बलवंत पर उसका गलत असर हो रहा है। बलवंत जिस जानवर का नाम सुनेगा उसी की तरह हरकतें करने लगेगा और ये असर उस पर पूरे 10 मिनट तक रहेगा। अब बावड़ी पूंछ, भैंस की पूंछ, ये कैसी दवा बना दी खोजी? बंदूकनी जी, आप पहले भैंस बोलना बंद कीजिए। संभालने में हमारी मदद कर। नहीं मैडम जी, चाचा ने फिर से मुझ पर अपने सींग से हमला कर दिया। तो एक काम कर, पीछे से चाचे को पकड़, फिर तो वो सींग नहीं मारेंगे। में जितना आसान है, संभालने में उतना ही मुश्किल है। छी, तू घास? ओए मुझे घास कौन खिला रहा है? और मैं इस तबेले में कैसे पहुंच गया? ओए तुम मुझे इतने गुस्से से क्यों देख रही हो? लगता है 10 मिनट हो गए हैं और चाचू ठीक हो गए। चाचू भागो। ओए, 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 क्या हो गया? वो क्यों मेरे पीछे पड़ गई? ओए, ये घोड़े की तरह क्यों भाग रहे हो? अरे रोको उस घोड़े को, अब मेरा मतलब है चाचा को। बहादुर जीप निकाल। ओए जीप नहीं, जीप, जीप निकाल।
बंदूकनी जी, हमें चाचू की इस प्रॉब्लम को जड़ से निकालना होगा। मैं खोजी अंकल से बात करता हूँ। हेलो खोजी अंकल, हमें उस गुलाबी रस का कोई एंटीडोट बनाना होगा। जब से तुम लोग यहाँ से गए हो मैं उसी काम पर लगा हूँ, पर ये इतना आसान नहीं। एंटीडोट बनाने के लिए मुझे पहले उसी गुलाबी रस की जरूरत है। तो फिर से वो गुलाबी रस क्यों नहीं बना लेते? जब मैंने उस रस को जमीन के नीचे 5 साल तक रखा तब जाकर गुलाबी रस तैयार हुआ। नया रस बनाने में और 5 साल लग जाएंगे, इसलिए हमें उस पुराने रस की बोतल को ही ढूंढना होगा। आइडिया, बंदूकनी जी, हमें चाचू को पकड़कर खोजी अंकल के लैब तक ले जाना होगा। ओए पर भतीजे, प्लान क्या है? और जिस तरह से चाचा दीवारों पर छलांग मार रहा है इसे पकड़ना तो मुश्किल है। एक तरीका है, बहादुर जल्दी से ब्रेक लगाओ। चाचू, बचपन में आपने मुझे घोड़ा बनकर बहुत खिलाया, आज एक बार फिर हो जाए क्यों? टिक टिक घोड़ा, टिक टिक घोड़ा। बंदूकनी जी, इस खास काम के लिए मुझे घास की जरूरत है। और ये ले भतीजे। टिक टिक घोड़ा, चाचू लेफ्ट चलिए। टिक टिक घोड़ा, टिक टिक घोड़ा, टिक टिक घोड़ा। ये कौन सा गेम है? चाचू सीधे चलिए, टिक टिक घोड़ा। रे बावड़ी बूझ भा। और मेरे कंधे बहुत दुख रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे किसी को उठा के लाया हूँ। अच्छा चाचू, क्या आपको पता है कि डॉगी सबसे वफादार जानवर होता है? भतीजे यो के कर दिया, मुझे रोका और खुद जानवर का नाम ले लिया। मेरे पास एक प्लान है जिससे चाचू फिर से नॉर्मल हो जाएंगे। इस गुलाबी रस की खुशबू को सूंघकर चाचू हमें उस रस की बोतल तक पहुंचा देंगे। ओह, तो ये प्लान था तुम्हारा। बहादुर जल्दी जाकर वो बोतल उठाना। पक, 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 सुनो जी, ये इंसान हमारे दानों चुराने आए हैं। किसमें इतनी हिम्मत है कि हमारा दाना चुराए? पहली बार एक इंसान को डॉगी की तरह बर्ताव करते देख रहा हूँ। मुझे किसी तरह से गुलाबी रस की बोतल वहाँ से लेनी होगी। खोजी अंकल, जल्दी से वो एंटीडोट बनाइए। चाचू ये शरबत पीजिए, आपको अच्छा लगेगा। सुबह यही शरबत पिया था, उसके बाद कुछ अच्छा नहीं लग रहा। बंदूकनी जी, चाचू को ये एंटीडोट पिलाइए, मैं इस मुर्गे का ख्याल रखता हूँ। मेरा दाना मुझे ही है, अभी बताता हूँ।
अभी आराम से दाना खाना। ये शरबत पीकर अच्छा लग रहा है। और जी आपसे अच्छा तो हमको लग रहा है चाचा जी। उपती जी वैसे एक बात तो बता, मैं उस मुर्गे के सामने क्या कर रहा था? लंबी कहानी है चाचू, फुर्सत में बताऊंगा। पहले अंटिकल अंटी हो जाए। अंटिकल अंटी चक्कर लग गए। बटर बटर काजू बाजू। मैं हूँ भतीजा। मैं हूँ चाचू।